जाने से भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे अभी आधा घंटा पहले कॉल आया था कि बीरज मसाड़ा में साफ बैठा हुआ है कमरे के अंदर गेहूँ की कोठी के ऑर्डर कौन सा सांप है? ये स्पेक्टिकल कॉमन कोबरा दाजी, कोबरा है ना, बहुत ही खतरनाक सांप है दाजी। इसके कांटे को कोई भी नहीं बचा सकता अगर डॉक्टर के पास नहीं जाओ तो, है ना। ये बाइट कर ले तो डॉक्टर के अलावा कोई किसी जान नहीं बचा सकता। बहुत गुस्से में ये अपन गुस्सा में तो सांप ही निकल गया। यो प्रैक्टिकल कॉमन कोबरा बोलते हैं इसको, निकल ना हो घूमे वो खुद निकल गया। बता निकल गयो मान दे दो, निकल तो देखो आप लोगों से मैं निवेदन यही करना चाहूंगा कि आए जिस तरह से मैंने इस सांप को रेस्क्यू किया, अभी रेस्क्यू भी नहीं हुआ, उस तरह की नकल आप लोग करने की कोशिश मत करना। ऐसा काम कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। मारना नहीं चाहिए इनको, ये कोई जान करके नहीं आते हमारे घरों में। तुमने इनकी जिनके जो डड़े मामले थे ना उनको कब्जा कर लिया, खाड़ भी खत्म कर दिए, इनके रहने की जगह ना उसमें अतिक्रमण कर लिया तुम लोगों ने, बना लिए तो कहाँ जाएंगे ये? अपना पेट भरने के लिए चूहे मेंढक चाहिए इनको खाने के लिए, चूहे मेंढक ढूंढने के लिए आते हैं, आप लोगों को ढूंढने नहीं आते ये, है ना। अपना पेट भरना, आपको भी पेट भरना पड़ता है, ये भी पेट भरने के लिए आते हैं। जान करके ये काटता नहीं है, सांप ही का क्यों काला सांप का, जान करके बाइट नहीं करेगा ये सांप, जान करके बाइट नहीं करेगा। जब इसके ऊपर हमारा हाथ लग जाता है तभी बाइट करता है। तो इस तरह से इनको इस तरह के मेरी जैसी नकल करने की कोशिश मत करना। और ऐसा काम कोई अभी देखिए इसको मैं किस तरह से डब्बे में बंद करूंगा, ढक्कन खोलना है इसका, निकल गया हो यहाँ बाबू, क्या मेंढक होता ना जब तो बाहर निकालता है ये, इसका जो जहर होता है ना ये हमारे लिए बहुत काम आता है जहर, इसके जहर से हमारे जो कोई सांप का काटा होता है ना उसको बचाने की दवाई इसी के जहर से बनती है। इसका स्नेह जो इसका ये का मोरा कर दो बताओ, मोरा नहीं था इसके जबड़ों में जहर होता है इसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन, वो तो लेबोरेटरी में करता होगा, हाँ लेब में निकालते हैं, लेब में निकलता है इसका जहर। और ये जो है ना ये जान करके बाइट नहीं करते और ना ही ये हमारे घरों में आते हैं, इनको हमारे घरों में आने की जरूरत नहीं है अगर इनके अतिक्रमण नहीं किया होता, घर में ना बाकी दुआ तो दे जाओ, ये हमारे घरों में नहीं आने चाहते, बाकी हम लोगों ने जो है ना इनके घरों में अतिक्रमण कर लिया तो फिर ये क्या करेंगे, ये अपने पेट भरने के लिए आते हैं, ढूंढने आते हैं वो अपने
वही जाते है सारे स्पेक्टिकल कॉमन कोबरा। ये सांप अगर नहीं रहेंगे ना दादाजी तो चूहा जो है ना, चूहे लोग है ना, चूहे लोग है, ये चूहे लोग हमारे घरों में घुस घुस के हमें खाएंगे। हमारे अनाज को तो खाते ही है अभी, बाकी हमें भी चैन से रात को सोने भी नहीं देंगे। हाँ, क्या होगा, इतने ज्यादा चूहे है वो जाएंगे, हो जाएगा। तो ये जो चूहे होते हैं ना, इनकी जनसंख्या को कंट्रोल रखता है, खाता है इनका। साल भर में एक सांप जो है हमारा, एक सांप 100 चूहे खा जाता है। कितने चूहे खा जाता है? 100। हमारे हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है उसके दुगने हमारे हिंदुस्तान की इसमें खेतों में बाड़ों में जहाँ भी चूहे हैं दुगने। एक चूहा साल भर में 10 किलो अनाज खराब करता है। अब आप कैलकुलेट करके देखिए कि 280 करोड़ चूहे और 10 किलो अनाज कितना नुकसान करते हैं। कोई फायदा है क्या आपको चूहों से? 1% भी फायदा है? नुकसान के अलावा कुछ नहीं। आपने कीमती कपड़े होते हैं उनको काट देता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कागज होते हैं उनको काट देते हैं, पुत्र 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 कपड़ा नहीं काट देते। बेसिक किया था वो काड़ा वीरस है कुटला मीना के घर से। वो सांप को हम सुरक्षित जंगल में रिलीज कर रहे हैं। देखिए जा रहा है अपने जंगल का राजा, जंगल में जा रहा है। ये देखिए जा रहा है, ये देखिए आप, बहुत ही मस्त सांप है और बहुत ही हेल्दी है सांप। खा पी के मस्त हो रहा है, हेल्दी है, स्वच्छ है, मस्त है। जंगल में, जंगल के राजा जंगल में रहेंगे।